हेलो फ्रेंड्स आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल एस एम आई आई इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेके आते रहते हैं और आपको नए नए स्टॉक्स भी रिकमेंड करते रहते हैं आज हम बात करने जा रहे हैं नॉक्स लेयर के स्टॉक के बारे में और इसके नए टारगेट भी जानेंगे और इसकी जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड टेक्निकल भी हम जानेंगे पर सबसे पहले आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी हिट कर दें इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिएगा सो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं सबसे पहले इसकी लेटेस्ट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं तो आई सिक्योरिटीज़ ने इनॉक्स पे नए टारगेट सजेस्ट किए हुए हैं इस पर बाई कॉल दी हुई है विद द टारगेट प्राइस ऑफ रूपीज थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी टू फॉर ए पीरियड ऑफ वन ईयर तो आप देख सकते हो ऐसे ऐसी सिक्योरिटीज इस स्टॉक पर बहुत ही ब्यूलिश दिख रही हैं आइए सबसे पहले इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं दिस कंपनी वाज स्टार्टेड इन द जीयर नाइनटीन एंड इट इज मिड कैप कंपनी विद मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ रूपीज थर्टी एट हंड्रेड फिफ्टी वन करोड नियरली एंड इट इज ऑपरेटिंग इन द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर ये जो कंपनी है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर में काम करती है जैसे कि आपको पता है लास्ट ईयर हमारे देश में कोविड पेंडेमिक आया था तो इसलिए मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर को बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट इसका देखना पड़ा था उनका बिज़नेस बंद हो गया था लॉकडाउन हुआ था लेकिन जैसे जैसे हमारे देश में इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है वैसे वैसे इसका जो कोविड का इफेक्ट भी कम हो रहा है और जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर है वो भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ जो है वो शो कर रहा है और जो लोग हैं वो भी अपना इंटरेस्ट इस एरिया की तरफ बढ़ा रहे हैं जैसे कि आजकल हमने देखा है लोग अपने फैमिलीज़ के साथ जो है टूरिज्म तूर, पे जा रहे हैं नए नए टूरिज़म स्पॉट्स पे जा रहे हैं और वहाँ पे अपना जो है एंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो इसलिए आने वाले टाइम में इस स्टॉक में बहुत ही अच्छा जो है ग्रोथ पोटेंशियल देखा जा रहा है ये सबसे पहले इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट जान लेते हैं फॉर द क्वार्टर फोर एंडेड ऑन तो द थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन द कंसॉलीडेटेड टोटल इनकम ऑफ द कंपनी हैज़ बिन रिपोर्टेड एज वन हंड्रेड नाइनटीन क्रोड एंड इट हैज़ बिन इंक्रीज इन द मल्टीफोल्ड्स दैट इज़ नियरली फोर तूर हंड्रेड फिफ्टी थ्री परसेंट फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर टोटल इनकम ऑफ ट्वेंटी वन करोड्स तो आप देख सकते हो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी की जो इनकम थी दैट वॉज ओनली ट्वेंटी वन करोड़ लेकिन आप देख सकते हो मार्च वाले क्वार्टर में इस कंपनी की इनकम में मल्टीफोल्ड इंक्रीज जो है वो देखने को मिल रहा है बट दिस इनकम हैज बिन रिड्यूस बाई सिक्सटी एट परसेंट फ्रॉम द लास्ट ईयर सेम क्वार्टर टोटल इनकम ऑफ रूपीज थ्री हंड्रेड सेवेंटी सिक्स करोड द कंपनी हैज़ ऑल्सो रिपोर्ट इन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ माइनस नाइन्टी थ्री पॉइंट सिक्सटी नाइन करोड़ इन द लेटेस्ट क्वार्टर तो इस कंपनी का जो लेटेस्ट क्वार्टर में मुनाफा है वो भी नेगेटिव निकल कर आ रहा है तो आप देख सकते हो इस कंपनी की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है अब हम इसका जो है प्रमोटर्स एंड एफ आई एज होल्डिंग देख लेते हैं जो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स है दैट इज़ नियरली फिफ्टी वन पॉइंट नाइन्टी परसेंट एज ऑन मार्च थर्टी वन तो एफ आई आईज़ आर होल्डिंग ट्वेल्व पॉइंट टू परसेंट ऑफ होल्डिंग डी आई आईज़ आर होल्डिंग ट्वेंटी पॉइंट सेवन परसेंट ऑफ स्टेक इन दिस कंपनी एंड पब्लिक इज होल्डिंग नीयरली फिफ्टीन पॉइंट टू परसेंट स्टेक इन दिस कंपनी तो आप देख सकते हो इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी बहुत ही मिक्स निकल कर आ रहा है और इसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं अच्छी ग्रोथ जो है वो शो कर रहे हैं अब हम इस कंपनी के और डिटेल जानेंगे सबसे पहले इसकी जो प्राइस की परफॉर्मेंस देख लेते हैं तो एक दिन में इस स्टॉक में जीरो पॉइंट थर्टी फोर परसेंट की करेक्शन देखी गई है और ये जो स्टॉक है थ्री हंड्रेड ट्वेल्व रुपीज़ पर क्लोज हुआ है अब हम इसकी फाइव डे की परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं तो फाइव डेज़ में इस स्टॉक में वन पॉइंट फोर्टी एट परसेंट की करेक्शन देखी गई है और यहाँ पर क्लियर सेलिंग देखने को मिल रही है अब हम इसका वन मंथ का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं तो लास्ट वन मंथ में इसमें इस स्टॉक में वन पॉइंट जीरो टू परसेंट की तेज़ी देखी गई है यदि हम इसका सपोर्ट लेवल ढूंढें तो नीचे वाला जो सपोर्ट लेवल है वो थ्री हंड्रेड टेन के अराउंड निकल कर आ रहा है अब हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी की सिक्स मंथ की परफॉर्मेंस देखेंगे तो सिक्स मंथ की जो इसकी चार्ट की परफॉर्मेंस है वो पहले देख लेते हैं इसमें पहले कंसोलिडेशन हो रही थी और इसका जो लोअर सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है दैट इज़ अराउंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी और इस सपोर्ट लेवल के बाद इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छी रैली शो की हुई है और अपना ऑल टाइम हाई भी बनाया है दैट इज़ नियरली थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी उसके बाद इस स्टॉक में करेक्शन भी आई है और अब इसका जो ऊपर वाला सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है दैट इज़ नियरली थ्री हंड्रेड एंड टेन जैसे हमने पहले भी बताया इसका जो शॉर्ट लेवल का जो आपका सपोर्ट लेवल है वो थ्री हंड्रेड टेन है पहले इसने लोअर स्पोर्ट लेवल से स्पोर्ट ली है 250 पे और रैली शो की हुई है अब इसका जो स्पोर्ट लेवल है 310 का निकल कर आ रहा है ये बहुत ही क्रूशियल है यदि ये जो स्टॉक है इस लेवल से ऊपर रहता है तो आने वाले टाइम में इस स्टॉक में और भी बड़ी ब्रेकआउट देखने को मिल सकती है यदि इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो और भी ब्रेकआउट देखने को मिलती है लेकिन यदि ये स्टॉक जो है उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली नहीं आते तो इस स्टॉक में और भी करेक्शन देखने को मिल सकती है लेकिन इसका जो पैटर्न बन रहा है बहुत ही बढ़िया बहुत ही व्युलिस ट्रेंड जो है वो बन रहा है क्योंकि इसका जो रिकवरी है बहुत ही अच्छी शो कर रहा है पहले इसने 250 से बहुत ही अच्छी रिकवरी शो की हुई है बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड शो किया हुआ है अब ये 310 के बाद कंसोलिडेट हो के कभी भी ब्रेकआउट जो है वो शो कर सकता है और अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रह सकता है और पास्ट सिक्स मंथ में इस स्टॉक में माइनस की जो है करेक्शन देखी जा रही है तो इसका जो चार्ट पैटर्न है बहुत ही ब्यूलिश इंडिकेट हो रहा है यदि हम वन जीयर की परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही पॉजिटिव रिटर्न्स निकल कर आ रहे हैं थर्टी सेवन पॉइंट टू नाइन परसेंट के रिटर्न जो हैं वो निकल कर आ रहे हैं तो आपके इसके स्पोर्ट लेवल यहाँ पर भी हमें बहुत ही क्लियर दिख रहे हैं जो नीचे वाला स्पोर्ट लेवल पहले भी हमने बता दिया टू फिफ्टी के अराउंड बहुत ही बढ़िया इसका जो सपोर्ट लेवल है बन रहा है लेकिन अब ये जो स्टॉक है ऊपर वाले स्पोर्ट लेवल के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है दैट इज थ्री हंड्रेड एंड टेन तो थ्री हंड्रेड टेन इसका बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट निकल कर आ रहा है अब आने वाले टाइम में आपको इस स्टॉक पे फोकस करना होगा इस सपोर्ट लेवल पे फोकस करना होगा इस सपोर्ट से ये स्टॉक जो है कभी भी ब्यूलिश पैटर्न शो कर सकता है आप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है यदि हम फाइव ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो इसमें पॉजिटिव ट्वेंटी सिक्स पॉइंट जीरो फोर परसेंट के रिटर्न्स निकल कर आ रहे हैं ये जो स्टॉक है स्लोली एंड स्टेडीली अप ट्रेंड शो कर रहा था लेकिन टू थाउजेंड ट्वेंटी में कोविड पेंडेमिक आया इसमें करेक्शन भी हुई उसके बाद ये जो स्टॉक है फिर कंटिन्यूसली अप ट्रेंड शो कर रहा है अब हम इसका वॉल्यूम का डाटा देख लेते हैं पहले कल का डाटा देख लेते हैं क्वांटिटी ट्रेडर वाज 22 लाख एंड 89 लाख की डिलीवरी उठाई जा रही है नियरली 55 परसेंट की डिलीवरी इस स्टॉक में कल के दिन उठाई गई है उससे एक दिन पहले का डाटा देखें तो 49.01 परसेंट की डिलीवरी उठाई जा रही है वन वीक का एवरेज डाटा देखें तो नियरली फिफ्टी परसेंट दैट इज़ वन लैख की डिलीवरी उठाई जा रही है यदि वन मंथ का एवरेज डाटा देखें तो फोर्टी फाइव पॉइंट एटी फाइव परसेंट की डिलीवरी इस स्टॉक में उठाई जा रही है, है तो जैसे कि हमने आपको पहला भी बताया है अब लोग जैसे इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है लोग घर में अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं बाहर निकल रहे हैं लेयर वैली लेयर भी के लिए इंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो इसलिए इस स्टॉक में अब बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखा जा रहा है बहुत ही अच्छी अकमुलेशन भी हो रही है लोग इस स्टॉक पर अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया अकमुलेन का डाटा भी निकल कर आ रहा है अब हम इसकी जो है फाइनेंशियल uh, ग्रोथ देख लेते हैं पहले रेवेन्यू का डाटा देख लेते हैं मार्च ट्वेंटी से लेके मार्च ट्वेंटी वन का डाटा हमारे पास अवेलेबल है तो मार्च ट्वेंटी वन में इसका जो रेवेन्यू था दैट वॉज थ्री हंड्रेड सेवेंटी करोड सेवेंटी वन करोड़ तो जून क्वार्टर में नियरली जीरो हो हो गया है दिस वॉज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द कोविड पेंडेमिक जैसे आपको पता है टोटल लॉकडाउन हुआ था हमारे देश में लोग अपने घरों में बंद हो गए थे सितंबर में भी जीरो हुआ है लेकिन सितंबर के बाद इसने बहुत ही अच्छी रिकवरी भी शो की हुई है दिसंबर क्वार्टर में आप देख सकते हो इस कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 14 करोड़ हो गया है मार्च 21 में ये फिर बढ़ गया है और नियरली आप देख सकते हो 90 करोड़ के अराउंड इसका रेवेन्यू जो है वो हो गया है अब हम आगे बढ़ेंगे इसका जी एल्ड डाटा देख लेते हैं तो जी ट्रेंड बहुत ही अच्छा निकल कर आ रहा है 2017 से लेकर 20 तक बहुत ही बढ़िया जीरो ऑन जीयर बेसिस पे ग्रोथ निकल कर आ रही है और 21 में यहाँ पे फिर डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है विच इज अगेन ड्यू टू द कोविड पैंडेमिक इफेक्ट अब जैसे जैसे कोविड का इफेक्ट कम होगा तो इस स्टॉक में भी इकोनॉमिक रिकवरी देखने को मिलेगी इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी और इसका स्टॉक भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ जो है वो शो करेगा अब ये जो स्टॉक है बहुत ही अच्छे रेट्स पर मिल रहा है बहुत ही बढ़िया वैल्यूशन पर मिल रहा है क्योंकि अब इसमें नेगेटिव जो है हाँ इम्पैक्ट देखा जा रहा है लेकिन जैसे जैसे हमारे देश में इकोनॉमिक रिकवरी होगी तो ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया अपसाइड पोटेंशियल रखता है इसलिए आप इस स्टॉक में थोड़ थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी बाई करते रहें और अपना पैसा इसमें लगाते रहें तो आपको बढ़िया जो है आने वाले टाइम में जो है आपको थोड़ा पेशेंस के साथ इसमें इन्वेस्ट करना होगा तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही बढ़िया जो है रिटर्न्स मिल सकते हैं दिस इज़ अ स्टॉक विद मीडियम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद एवरेज प्राइस मोमेंटम एंड वैल्युएशंस दीज स्टॉक्स मे बी अफोर्डेबल एंड शोइंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स तो आप देख सकते हो दिस इज़ शोइंग मीडियम रेंज मोमेंटम इस स्टॉक में मीडियम मोमेंटम बन रहा है एंड इट इज़ आल्सो ट्रेडिंग नियर इट्स 52 वीक हाई तो बहुत ही पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट्स इसमें निकल कर आ रहे हैं अब हमारे देश में जो है कोविड का भी आपको थोड़ा सा आने वाले टाइम में देखना होगा कि कैसे बिहेवियर उसका होता है और कैसे कैसे उसका जो आ, उसकी यदि थर्ड वेव शुरू होती है या नहीं होती है वैक्सीनेशन प्रोसेस कैसे चलता है तो जैसे जैसे वैक्सीनेशन प्रोसेस चलेगा हमारे देश में इकोनॉमिक रिकवरी आएगी तो इस स्टॉक की जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी और ये जो कंपनी है बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स आपको दे सकती है बहुत ही अच्छा पोटेंशियल जो रखती है तो एंड में हम आपका थैंक्स कहते हैं आपने हमारे को टाइम दिया हमारी वीडियो को सुना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा इससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा और आगे हम और एफर्ट्स करके आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है वो लेके आते रहेंगे